हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर ऑन फैक्ट। गाइस, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाला। आज हम करने वाले थे 3.16 कलर। ये कलर जो मैंने पहले डाला था ये वही कलर है गाइस, वो मैंने प्री लाइटनिंग के ऊपर डाला था, यानी कि प्री लाइटनिंग के ऊपर डिपॉजिट करके मैंने आपको दिखाया था। काफ़ी लोगों ने कमेंट करी थी कि सर हमें ये कलर डायरेक्ट करके दिखाओ, डायरेक्ट का मतलब विथआउट प्री लाइटनिंग। सो गाइस, मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए, और इतने प्यार से और इतने लोगों ने कमेंट करी तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दूँ। तो गाइस, तो आज हम यही कलर डायरेक्ट करते हैं, और ये बाउल में निकाल लिया मैंने कलर। और जैसा कि आप सभी को पता है 3.16 है, यानी इसकी जो डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा कम है, और प्री लाइटनिंग के ऊपर भी ज़्यादा विजिबिलिटी इतनी नहीं आती इसकी, लेकिन एक सटल लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 40 वॉल्यूम में क्या है गाइस, हमें लिफ्टिंग अच्छी खासी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो आपकी रिफ्लेक्शन को ख़त्म कर देगा 40 वॉल्यूम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी प्रॉपर रिफ्लेक्शन आएगी और थोड़ी सी लिफ्टिंग मिलेगी। ये ऐसा होता है कि रिफ्लेक्शन थोड़ी कम दिखाएगा, 20 वॉल्यूम रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाता है, तो हमें लिफ्टिंग भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम 40 वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है गाइस, रिफ्लेक्शन हमारे लिए अभी इतनी मैन नहीं है, हमारे साथ रिफ्लेक्शन के साथ डेप्थ भी थोड़ी सी दिखे। तो 40 वॉल्यूम हम यूज़ करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और गाइस, 3.16 की अगर आपको वीडियो देखनी है कि आप प्री लाइटनिंग के ऊपर कैसे करना है, कौन से अंडर कोट पर डिपॉजिट करना है, तो मेरी मतलब इसी वीक में मैंने वीडियो डाली है, मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर आप चेक कर सकते हैं, और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि प्री लाइट के ऊपर कैसा आता है। तो डायरेक्ट पे भी हम देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट आता है, और इन कटिंग हेयर पे हम इसको लगा देंगे। अच्छे से आपको लगाना है, और मैं आपको बता दूँ जो मेरे पे ये कटिंग हेयर है, इसका जो नेचुरल बेस कलर है, मतलब जो नेचुरल बेस मतलब मेरा जो नेचुरल कलर है उसका है 4 नंबर का। ये 4 नंबर का हेयर है, इसके ऊपर 3.16 मैंने 40 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके कलर कर रहा हूँ। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस, रिजल्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी ज़्यादा नॉलेजबल लगती है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो से और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके। सो गाइस, एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हमने कम्प्लीट कर लिया है, इसको हम रखने वाले हैं पूरे 35 मिनट्स। आफ्टर 35 मिनट्स बाद हम इसको देखेंगे, उससे पहले हम फॉइल को कर देंगे लॉक। अगर आप ग्लोबल कर रहे हो तो आपको उसमें भी फॉइल लगानी है। अगर फॉइल देखना है आपको कैसे लगानी है, मैंने बहुत सारी ग्लोबल के ऊपर वीडियो डाली है, 12.7 वाली वीडियो देख लो मेरी, उसमें मैंने बताया कि आप कैसे फॉइल लगा सकते हैं। तो आफ्टर 35 मिनट बाद देखेगा इस कलर काफ़ी ज़्यादा रेडिश मॉगनी टोन में हो रखा है, तो उसका जो 0.6 है वो बाहर आ रहा है, वो देखिए किस तरीके का दिख रहा है। उसको मैं आपको वॉश करके एंड ड्राई करके फिर आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो गाइस, ये देखिए वॉश मैंने कर लिया है, उसको अच्छे से ड्रायर कर रहा हूँ, और आफ्टर ड्रायर के बाद इसकी विजिबिलिटी और डेप्थ देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है, मैं आपको बता दूँ। और आपको भी देखना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये देखिए। और ये आइए हम फाइनल रिजल्ट पर चलते हैं। ये देखिए गाइस कितना अच्छा कलर आया है, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये देखिए बिल्कुल डायरेक्ट में भी कितना अच्छा आएगा इस, देख रहे हो 3.16। आगे का जो सभी को पता है, आगे का जो नंबर फर्स्ट वाला नंबर होता है वो बेस कलर होता है, वो बेस कलर हमारे इसमें क्या है 3, यानी कि डेप्थ काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मतलब कम डेप्थ में भी कितनी अच्छी रिफ्लेक्शन और डेप्थ उठी हुई आई है। तो गाइस कितना अच्छा कलर लग रहा है, अगर ये आपको कलर कैसा लगा कमेंट करके मुझे गाइस ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड गाइस अगर आपको प्री लाइटनिंग के ऊपर ये डिपॉजिट करके देखना है कि कैसा आएगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरी वीडियो जाके देखें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना किस किस को ये वीडियो नॉलेजेबल लगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्प करती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।